पहले ही दिन मुझसे जब मेरा अटेंडेंस नाम लिया गया विशाल आनंद, तो ब्रेक टाइम में सब ने आके मुझसे पूछा कि आप इंडिया से आए हैं, यहाँ पे कैसे आए। तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, तो उनको बताना पड़ा और उनको मुतमिन करना पड़ा कि हम भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध में रहते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, यारी मदद। मेरा नाम विशाल आनंद है और मैं सचल की धरती से बिलोंग करता हूँ, खैरपुर मेरा सिंध से, और एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। बस आजकल कुछ सियासी और सामाजिक काम कर रहे हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, पाकिस्तान हिंदू यूथ काउंसिल, जो नौजवानों की एक तंजीम है, पाकिस्तान की पहली बहुत बड़ी नौजवानों की तंजीम है। असल में मेरा ताल्लुक सिंध धरती से, और सिंध धरती जो है सूफीज़म की धरती है, सूफी वहाँ पे पैदा हुए हैं। सचल सरमस का नाम ले लें, आप शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का नाम ले लें। बैड यह हुआ है कि कभी कभी किस्मत ही कोई बंदा निकल आता है जो जिसके दिमाग में थोड़ा बहुत होता है एक्सट्रीमिज्म टाइप। तो एक बार ये हुआ था कि होली सेलिब्रेट करके हम आ रहे थे मंदिर से, और हमारे कपड़ों पे जो है रंग लगा हुआ था, तो अचानक वहाँ पे दो पुलिस वाले आए और उन्होंने मतलब ऐसे अल्फाज बोले और कहा कि आप हिंदू हैं, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस दुख ये हुआ कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा भी उतना ही कंट्रीब्यूट है, हर फील्ड में हमारा कंट्रीब्यूट है। फोर्स कन्वर्जन सिंध में बहुत ज़्यादा है, और एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो है तकरीबन 6 माह के अंदर 40 से 60 माइनर लड़कियां जो हैं कन्वर्ट हो रही हैं फोर्सफुली। मैं भी हमारे आसपास जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, हमेशा उनसे प्यार मिला है, हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट की है किसी भी हिसाब से। कभी भी कोई हमें मुश्किल टाइम नज़र आया है तो सबसे पहले वो आके हमारे आगे खड़े हैं। तो तकरीबन सारे जितने भी दोस्त हैं मुस्लिम हैं, सारा दिन जिनके साथ उठता बैठता हूँ। खुशी ये होती है कि जब उनकी कोई ईद होती है या रमज़ान होता है, तो ज़्यादातर इफ्तार में उनके साथ करता हूँ, या अपना क्या नाम है बड़ी ईद होती है तो उनको पता होता है कि विशाल जो है वो हिंदू कम्युनिटी जो है गोश्त बड़ा गोश्त नहीं खाती, तो मेरे लिए स्पेशली वो बकरे का या दूसरा कोई गोश्त अरेंज करके रखते हैं। तो खुशी होती है कि इनको एहसास है मेरा। हालात की तरफ हम इस तरह बेहतर जा सकते हैं कि हमें जो है दूसरों को समझने की ठाननी पड़ेगी और सब्र से काम लेना पड़ेगा। भाई जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और उस टाइम जो ऐलान हुआ था, दोनों तरफ से ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनने जा रहा है और हिंदुस्तान एक अलग मुल्क बनने जा रहा है, तो ये कहा गया था उस ऐलान में कि जो हिंदू हैं पाकिस्तान में वो इंडिया आ जाएं और जो इंडिया में मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएँ। तो पाकिस्तान से एक आवाज़ आई थी, हिंदू कम्यूनिटी से एक आवाज़ आई थी कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह यहीं पर मरेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम था हमारा, और यहाँ उससे ये भी साबित होता है कि हम कितने अपने मुल्क से सच्चे हैं, और अगर हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं होता तो हम चले जाते। पाकिस्तान जो है एक गुलदस्ते की तरह है, और जिसमें गुलाब भी हैं, चंबेली के फूल भी हैं, और सारे मजाहब जब मिल के एक जगह पर आते हैं तो वो एक गुलदस्ता बनता है, और पाकिस्तान वो गुलदस्ता है जो महक भी देता है और खुशबू भी देता है। गल समझ ले ते रोला की, राम रहीम ते मोला की।